हेलो दोस्तों, अभी मैं बनाऊंगा सबसे पहले एक मीठा पकवान। पकवान में मैं बता देता हूँ, हमारे पास ये चार पूड़ी बची हुई है, 1, 3, 4, ये चार पूड़ी है जो कि हम लोग खा नहीं पाए थे, ये भंडारे का था। तो अभी इसको मैं बनाऊंगा कुछ अलग तरीके से। तो सबसे पहले मैं गैस ऑन कर लेता हूँ, और गैस ऑन करके मैंने इसमें चढ़ा दिया है ये पैन, और इसमें पानी डालूंगा सबसे पहले। तो आधा गिलास मैं पानी ले लेता हूँ, इधर दिखाओ, जब हम बोल रहे हैं तो इधर दिखाना चाहिए ना तुमको। आधा गिलास पानी ले लेता हूँ, इस पानी को इसमें डाल दूंगा, इतना पानी काफ़ी है। और अब इसमें सबसे पहले, अरे बुरादा वाला चीनी था जो कि बर्बाद हो गया, इसमें गिर गया है, पन्नी खुला खुला हुआ था सारा। 250 ग्राम इसमें सूजी था, बर्बाद हो गया नीचे गिर के। और उसको फेंकना नहीं उस सूजी को, ठीक है, उसको छान के अच्छा से बनाएंगे फिर बाद में। मैं इसमें ये डाल दे रहा हूँ, क्या बोलता है, चीनी डाल दे रहा हूँ, इसको चाशनी बनाना है सबसे पहले। तो आई थिंक इतना चीनी काफ़ी है चाशनी के लिए। और अब इसमें जो है, इसमें इलायची डालूंगा, तो हमारे पास इलायची है, तो इलायची को इस प्रकार से लूंगा और इसको पहले तोड़ूंगा इस तरीके से। इस प्रकार से तोड़ लिया हूं इसे, और इसको अब इसमें मिक्स कर दूंगा इस चाशनी में। इस प्रकार से मिक्स कर दिया हूँ मैं, और अब जो है इसको बीच बीच में इसको चलाऊंगा ताकि ये रस बन जाए अच्छी प्रकार से। तो अभी चीनी गला नहीं है, जब चीनी गल जाएगा तो ये रस बन जाएगा, और उसके बाद जो पूड़ी है उसको इसमें डाल दूंगा, तो इस प्रकार से रस पुआ तैयार हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइट होगा लेकिन खाने में ये भी काफ़ी टेस्टी होता है। आप देख सकते हैं उधर चावल सीझ रहा है, और आज मैं साग बनाऊंगा, सरसों का साग। तो पहले इस जो रेसिपी को बना रहा हूँ रस पुआ, इसको अच्छी प्रकार से मैं बना लेता हूँ, फिर उसके बाद उसमें लगूँगा। तो ये लगभग चाशनी बनकर तैयार है, इसमें सारा चीनी जो था वो गल चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी घर में चाशनी तैयार करके रस पुआ बना सकते हैं। तो अब ये जो पूड़ी बचा है इसको मैं छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के डाल दूंगा इसमें, इस प्रकार से। ये खाने में वैसे काफ़ी स्वादिष्ट होता है, इसको मैं अब चाहे तो पूरा भी डाल सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा करके इसलिए डाल रहा हूँ ताकि इसमें रस अच्छी प्रकार से लग जाए, और इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट जो होता है सॉफ्टनेस वो भी आ जाए। तो इस वजह से मैं इसको तोड़ लिया हूँ अच्छी प्रकार से, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और दो पूड़ी मेरे पास रह गया है, इसको भी इस प्रकार से तोड़ के इसमें मिला दूंगा। तो इस प्रकार से आपका ये रस पुआ बनकर अब तैयार है, और इसको कुछ नहीं करना है, बस उबालना नहीं है, उबालने से इसलिए क्या है सीज जाएगा बहुत ज़्यादा। तो अब इसको बस ये इतना करके अब आप गैस को बंद करके छोड़ दीजिए। तो अब मैं गैस को बंद कर देता हूँ, और अब देख सकते हैं ये पूड़ी का रस पुआ शानदार वाला तैयार है, और इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची डाला तो फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो इस प्रकार से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो मेरा पूड़ी जो वेस्ट होने वाला था, जिसको मैं नहीं खाना चाह रहा था, उसको भी मैंने यूज कर दिया, और इसका एक अच्छा सा मीठा मीठा रेसिपी बन गया। तो आप
भी इस प्रकार से बना सकते हैं। आपको अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस प्रकार का पूरी का रेसिपी बना लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। मैंने ये जो रस पुआ बनाया था ये अब लगभग रेडी हो गया है, तो आप इस प्रकार से घर में जो बचा हुआ पूड़ी है उससे बना सकते हैं रस पुआ। तो अभी इसको मैं खा के देखूंगा इसका स्वाद कैसा है, क्योंकि ये सब मीठी चीज़ें हमें काफ़ी पसंद होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको खाएंगे और फिर देखेंगे कि ये कैसा लगता है। और शायद आज रात को हम लोगों की रोटी भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इतना खाना हो जाएगा, बनेगी भी तो काफ़ी कम रोटी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अब भाई के लिए रख दिया और मैंने एक प्लेट अपना ले लिया है, तो मैं एक बारी से खा के आपको बताता हूँ कैसा लग रहा है। बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप घर में पूड़ी का रसपुआ बना सकते हैं, क्योंकि चीज़ों को फेंकने और बर्बाद करने से अच्छा है कुछ नई चीज़ें बनाकर खा लीजिए, और 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया ये रेसिपी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।